जाओगे अपने टीचर्स के साथ में, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। तो आप में से काफी बच्चों ने ओरिएंटेशन सेशन अटेंड किया था और शायद कुछ ने ना भी किया हो। तो सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता देती हूँ। माय नेम इज खुशबू, ठीक है? खुशबू डुडेजा। सो बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है? एंड केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ मैं आप लोगों को। एंड मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते हो गए हैं बेटा 4.5 साल, 4.5 ईयर्स, ठीक है? एंड 4.5 सालों में मैंने काफी समझा है चीजों को कि किस तरीके से बच्चों को प्रिपेयर कराना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मैंने जेई के लिए भी पढ़ाया, बट ज्यादा मैंने नीट के लिए पढ़ाया है बच्चों को, ठीक है? 1 साल मैंने जेई के लिए पढ़ाया है एंड नीट तो मैं शुरू से ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है? एंड मेरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आई हैव डन माई मास्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। एंड इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैम ऑर्गेनिक आप हमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ाएंगी। मैं तीनों ही पढ़ाती हूँ, ठीक है? एंड आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड सम नेशनल एग्जाम्स लाइक IIT जैम, है ना, गेट का एग्जाम, CSIR नेट का एग्जाम होता है। मे बी नहीं पता हो तुम लोगों को, आफ्टर मास्टर्स होते हैं ये वाले एग्जाम, कुछ BSc के टाइम पे होता है। मैंने BSc की थी, देन MSc की थी, ठीक है? एंड अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किए। और जाना था मुझे टीचिंग में ही, शुरू से ही जाना था। या तो मैं कॉलेज में पढ़ाती, है ना, या फिर मैं आप बच्चों को पढ़ाती। तो मेरी डेस्टिनी मुझे यहाँ लेके आई कि मैं जेई नीट के लिए जो है बच्चों को पढ़ाऊं, तो आई एम हेयर, ठीक है? तो ये सब था मोटा मोटी मेरे बारे में। धीरे धीरे और जानोगे मेरे बारे में, ठीक है? अभी यही था। एंड देखो, थोड़ा सा मैं नीट के बारे में बता देना चाहती हूँ। आपको पता भी होगा अब तो, तुम क्योंकि अक्टूबर में हो ना, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता लगी होंगी, अपने स्कूल से यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, तो हमें पता है। ये बताने की भी जरूरत नहीं कि नीट में कंपटीशन ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा अपीयर होते हैं, है ना? लेकिन एक हमारे पास अच्छी बात ये है कि हम लोग अभी 12th में नहीं गए हैं, अभी वी हैव टाइम, है ना? वी हैव टाइम। जो हमारी वीकनेस है और जो हमारे वीक एरियाज हैं, जो हमारे स्ट्रोंग स्ट्रेंथ है, स्ट्रोंग पॉइंट्स हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड मैं बता रही हूँ, उस पर काम किया जा सकता है। स्ट्रोंग कोर स्ट्रोंग बना सकते हो, एंड जो वीक एरियाज है उसको भी टाइम है, आप आराम से जो है उसको स्ट्रोंग कर सकते हो। आप लोगों का सबसे अच्छी ये भी बात है कि आप स्कूल में काफी सारा पढ़ चुके हो, तो बहुत सारी चीजें तो आप लोगों को आती ही होंगी इसमें, है ना? बहुत अच्छी बात है वो, ठीक है? और बेटा, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, वही आपके 180 कितने मार्क्स का होता है? केमिस्ट्री का 180 मार्क्स का होता है, 50 में से 45 क्वेश्चन करने होते हैं, ये सबको पता है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 15, है ना? तो अगर मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री की बात करूं, इतने सालों से मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, बट मैंने जो देखा है पिछले कुछ सालों में, जो बच्चों का स्कोर आ पाता है ज्यादा, बायो स्कोरिंग होती है, क्योंकि आपका वो 360 मार्क्स का होता है, तो बायो में बच्चे ट्राई करते हैं कि सारा ही सिलेबस कर ले हम लोग, ताकि एक अच्छा डिसेंट स्कोर वहां पे हमारे लिए आ जाए, 320 330 इतना। उसके बाद बच्चों को ये लगता है कि केमिस्ट्री स्कोरिंग है, जो कि सच भी है, केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है, बेशक जेई हो चाहे नीट हो, केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है। लेकिन आप लोगों को ना उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है? धीरे धीरे बहुत सारी चीजें पता लगेंगी आप लोगों को। तो ये मैंने जनरली देखा है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, कि बच्चे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, है ना? हम ये भी कर लेंगे। अभी आप शायद बहुत एक्टिव भी होंगे, क्योंकि नई नई चीज हो रही है ना, आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, आप लोगों को होमवर्क मिल रहा है। मैं देख रही थी, हिमांशु सर से पूछ रहे थे एक स्टूडेंट की, सर आपने होमवर्क नहीं शेयर किया, मतलब काफी एक्साइटमेंट है आपको, एंड मोटिवेट हो इस टाइम पे कि हम बहुत जोश में हो बेसिकली, कि अच्छे से कर लेंगे। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये आप लोगों में जो मोटिवेट, जो जोश है ना, वो कम नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यस देखो, मैम, हाँ बहुत बार ऐसा होगा जब आप लोगों को डिमोटिवेट हो गए, मोराल डाउन होगा कि मैम नहीं हो रहा है, क्या ही कर रहे हैं, ऐसा भी स्टेजेस आती हैं।
आप लोगों इस लाइफ 11th 12th वाली जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें कि क्या ही चल रहा है जिंदगी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों ही फंस गए, है ना। तो ये सब चीजें आती हैं, नो डाउट आती भी होंगी शायद आप में से किसी को, या कभी इन फ्यूचर आए। तो सबसे पहले तो ना आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये बहुत नॉर्मल है। जब हम किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं जो बहुत ही माना जाता है कि सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, तो ये चीजें एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, ये बहुत कॉमन है। लेकिन ना मैं एक चीज बोलूंगी ना, कभी हार मत मानना लाइफ में। आप अभी मेरे साथ जुड़े हुए हो, आगे आप और टीचर से मिलोगे अपनी लाइफ में, कॉलेज में जाओगे, ठीक है। तो आप कभी ना नेवर, मतलब नेवर गिव अप वाला थॉट अपने माइंड में रखना कि मुझे गिव अप नहीं करना है कभी लाइफ में। बेशक कितनी मुश्किलें आए आपके, कितने ऑब्स्टेकल आए आपके सामने, आपको गिव अप नहीं करना है। बस एक चीज ध्यान रखना, हो जाएगा, यहाँ तक पहुंचे है ना, आगे भी हो जाएगा। देखो मैं भी यही सोचती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों की टीचर हूँ, मैं स्ट्रेस नहीं लेती या मुझे टेंशन नहीं होती किसी चीज की। मुझे भी होती है, मेरे अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं हो रही होती तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है। गिव अप कभी नहीं करना है लाइफ में। हम ये होते हैं कि यहाँ तक आगे पहुंचे हैं, आगे भी पहुंच जाएंगे। इसका सिर्फ एक ही काम करना है तुम्हें, हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता बेटा, शॉर्टकट नहीं है कोई, कि कोई शॉर्टकट है तुम्हें मैं MBBS की सीट दिलवा दूंगी, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत कर करके धीरे 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 उस मुकाम पे पहुंचना है। यानी कि कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क, ये दो चीजें ना दिमाग में बिठा लो 1.5 साल के। मैं तुम्हारे, मतलब अभी तो मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ये चीज बिठा लो कि कुछ चाहिए ना लाइफ में, तो उसके लिए मेहनत करके वो चीज लेनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो ना कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ भी नहीं मिलेगा, बता दे रही हूँ। सीधी सी बात है, पहली क्लास में बता दे रही हूँ। अपने मन को समझाना है कि भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाके हमें कुछ मिलेगा लाइफ में। सभी इंडिपेंडेंट होना चाहते हो ना यहाँ पे जितने भी बैठे हो, है ना। यस मैम, अपने पेरेंट्स यस को सपोर्ट करना चाहते हो, यस है ना, मैम, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हो, खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहते हो ना लाइफ में, तो उसके लिए मेहनत करनी है आपको। और ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हो, तभी आप यहाँ पे हो। स्नेह मैम अभी पता नहीं है, स्नेह मैम हो आप यहाँ पे? नहीं, शायद चले गए हैं। इतने सारे बच्चों में आपका, आप लोगों को सिलेक्ट किया है, मुझे हिमांशु सर बता रहे थे आप लोगों का वाइवा वगैरह कुछ हुआ था, है ना। तो यस ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चों सबको ले लिया हमने, ठीक है। आप में कुछ तो देखा होगा ना, स्नेह मैम, हिमांशु सर या जो और भी टीचर्स थे, कुछ तो देखा होगा, तभी आप आज यहाँ पे हो। तो पहले तो अपने आप को अप्रिशिएट करो। समझ में आई सबको? अपने आप को अप्रिशिएट करो कि हम यहाँ पे हैं और मेहनत कर रहे हैं, हो जाएगा। देखो रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचना, आप तो बिल्कुल ही ना सोचो, बिकॉज यू आर इन ग्रेड 11, ठीक है। आप सिर्फ मेहनत करो। मैंने ना लाइफ में एक चीज जरूर सीखी और देखी है कि मेहनत ना कभी खराब नहीं जाती। हमें लगता है यार इतनी मेहनत की फिर भी टेस्ट कितना खराब चला गया, यार इतनी मेहनत की ना फिर भी नहीं हुआ, ये आता है आप लोगों के। लेकिन ये ध्यान रखना, जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, वो जो नॉलेज तुम्हें मिल रही है, जो तुम नॉलेज ले रहे हो कहीं से भी ले रहे हो, अपने टीचर से ले रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, वो काम तो आएगी कभी ना कभी, कभी ना कभी आपके काम आएगी, वो वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। तो ठीक है बेटा, इस अच्छे नोट के साथ आज हम फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये मेरी तरफ से थोड़ा सा ज्ञान मिलता ही जाएगा, ठीक है। बस आप लोग मुझे डिसअपॉइंट मत कीजिएगा, जो भी मैं काम, जो भी मैं बोल रही हूँ ना, बस वो मान लो। आपको ना अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, उन एक्सपीरियंस टीचर हैं सभी, उनको पता है कि किस तरीके से एग्जाम निकलवाना है बच्चों का, है ना। तो बस फिर इसी के साथ हम स्टार्ट कर देते हैं, और गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएगी, तो उसकी तुम टेंशन वेंशन मत लो। फिर भी देखो कुछ बातें होती हैं, आप लोग पर्सनली मुझे रीच आउट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर को कर लेना, स्नेह मैम को कर लेना, किसी को कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तभी मैं 12th की तो बात नहीं करने की, 12th में क्या चैप्टर है, मैं सिर्फ 11th की बात करूंगी। तो 11th में 9-10 चैप्टर है तुम लोगों के, बाकी तो डिलीट हो गया,
सबसे पहले तो सिलेबस होना चाहिए तुम लोगों के पास नीट का, ठीक है? तो 9-10 चैप्टर हैं अपने इसमें, इस साल 11th में। काफी कुछ तुम पढ़ चुके हो स्कूल में, बट मैं मान के चल रही हूँ कि मान लो ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ना है ना, अपन यहाँ पे बेसिक से पढ़ेंगे। एंड यही रीजन है बेसिक से पढ़ाना है, इसीलिए हमने उतने चैप्टर्स रखे हैं जितने टीचर्स तुम लोगों को इफेक्टिवली कवर करवा पाएंगे। शायद तुमने प्लानर देखा होगा, ठीक है? यस मैम, हाँ। एंड इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ केमिस्ट्री में तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम ये तो डाल ही नहीं रखा मैम आपने, हाइड्रोकार्बन भी नहीं दिया हुआ। रीजन सिंपल सा है, टाइम नहीं है उसका, उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा मेरे को। बट यस, जब आप 12th में हो जाओगे ना, तो आप लोगों के वो चैप्टर भी कवर करवा दिए जाएंगे, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार, है ना, विद रिवीजन। उसकी तुम टेंशन आ लो, तो जितना हो रहा है ना उसको अच्छे से करना है तुम लोगों को। ये मेक श्योर करना है कि जो हम चैप्टर मैम से पढ़ रहे हैं ना, उसमें अपना स्कोर अच्छा करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी मेरी तरफ से तो नहीं होगी बेटा, 150 क्वेश्चन तो मैं तुम्हें क्लास में ही सोल्व करा दूंगी, 120-150 के बीच में। एंड बाकी तुम्हें होमवर्क मेरी तरफ से मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। शायद इनिश स्टार्टिंग का टाइम है, तो शायद इतना मैं ना लोड दूं तुम्हें, बट कुछ टाइम बाद, मतलब दिवाली जैसे, दिवाली अपना कब है, 1 नवंबर को, उसके बाद से तुम्हें फिर बहुत ज्यादा काम मिलने लग जाएगा, ठीक है? तो यस, तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो आज मैं ज्यादा नहीं रखूंगी। इंट्रोडक्शन होगा सिंपल, डाल्टन थ्योरी है। अब डोल्टन थ्योरी करवाने का ये मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट यस इससे ना क्वेश्चन आया होगा, आपको दिखाऊंगी भी सेम है, तो भी ये पढ़ाना पड़ेगा डोल्टन एटॉमिक थ्योरी। मेन आपका जो ये चैप्टर है बेटा, वो स्टार्ट होते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। मैं चाहने को तो मोल कॉन्सेप्ट से ही डायरेक्ट स्टार्ट कर सकती थी, बट वी हैव टाइम ना, अब हम कुछ चैप्टर्स कम कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं वो अच्छे से करेंगे, है ना, ठीक है? तो अगर मैं इस चैप्टर की बेटा वेटेज की बात करूं, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब मैं आज क्या क्या करवाने वाली हूँ। तुम आज पढ़ोगे मेरे से डोल्टन एटॉमिक थ्योरी, पढ़ोगे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, एंड थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया मैं मोल का भी दे दूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें फील आए इस टॉपिक की, ठीक है? और इसके क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, तुम कर पाओगे, ठीक है? एंड अगर मैं मेरा बेटा वेटेज की बात करूं, इसका तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। जो जो टॉपिक मैं करवाती हुई जाऊंगी मैं बता दूंगी बेटा ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको करना है, बट ठीक है, क्योंकि वेटेज मुझे बताना है हर चैप्टर का, तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्या आप ये टॉपिक देख पा रहे हो? ये 4 टॉपिक है ना? तो यहाँ पे यस सम मैम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या आ जाता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आता है आपका डाल्टन वाला आता है एक, तो एक आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक आते हैं, है ना? आप देख रहे हो उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया 2017 से 2023 के बीच में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ाऊंगी मैं तुम लोगों को, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ऐसे भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसपे मेरे को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवानी है तुम लोगों को। मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन हालांकि बहुत ज्यादा नहीं आए हुए, 3 क्वेश्चन आए, बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मोल कॉन्सेप्ट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे 12th तक की। एग्जामिनर क्या कर रहा है ना, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बना के दे रहा है, वो वाले क्वेश्चन तुम तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा। स्टोशियोमेट्री अगेन इंपॉर्टेंट, स्टोशियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ लिया होगा, ये तो नाम समझ में आ रहे होंगे, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन बोला वो वाला मोलालिटी, मोलारिटी, है ना, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन। जब तुम नीट का सिलेबस उठा के देखोगे ना, तो तुम्हें ये वाला टॉपिक ना इस चैप्टर में नहीं मिलेगा ग्रेड 11 के, क्योंकि उन्होंने क्या किया है एनटीए वालों ने, ये टॉपिक उठा के कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, 12th के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन में, ठीक है मैम? तो मैं नहीं करवाओगे क्या? नहीं, मैं इसी चैप्टर में ही करवाऊंगी आप, ठीक है? इसी क्योंकि ना टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, फिर तुम कहोगे मैम हुआ नहीं, तो फिर मैं इसमें करवा दूंगी, बाकी हम सॉल्यूशन में और अच्छे से डिटेल में और चीजें, ठीक है? समझ में आ गया ना फिर हम किस किस पे फोकस करने वाले हैं? जी बोलो। यस मैम, बढ़िया। यस मैम,
बहुत यस मैम। ठीक है। हाँ जी हाँ जी बोलो, कोई कुछ कह रहा है? हैंड रेस किया नहीं किया? अच्छा चलो ठीक है। देखो अब ना बात करते हैं थोड़ा सा, मुझे एक बार कोई बताएगा क्योंकि केमिस्ट्री का पहला दिन है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, मैम ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है? यू कैन रेज योर हैंड और अनम्यूट योर सेल्फ, मुझे बता सकते हो, वरना यू कैन ऑल्सो यूज द चैट बॉक्स। आप लोगों को बहुत ज्यादा वो नहीं लेना है, मतलब कि मैम तो देखना आते ही क्वेश्चन पूछने लगी, बहुत सिंपल रखते हैं चीजों को, ठीक है? सिंपल पूछ रही हूँ केमिस्ट्री का मतलब, और कुछ नहीं। हाँ जी हाँ हाँ बोलो। अच्छा ओके, हैंड रेस किया है मैम। केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल्स, वेरी गुड, एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है वेरी गुड गुड, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैम बहुत सारे अरे हर्षित मस्त आंसर था वो तो करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन है ना, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ये सब हम डिस्कस करते हैं, बहुत कुछ है केमिस्ट्री में। एवरी रिएक्शन इन आर अराउंड इज कॉल्ड केमिस्ट्री, वेरी गुड। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर मैटर, डीलिंग विद केमिकल्स। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांच होती है, आप तो तीन ही पढ़ते हो ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, और भी होती है ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी होती है, बायोकेमिस्ट्री भी है, तो काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है वेरी गुड शाबाश। ठीक है मतलब केमिस्ट्री के बच्चों ये तो पता ही है, एटम मॉलिक्यूल्स की जो है स्टडी करते हैं, वहीं से तो कहानी शुरू होती थी हमारी, याद है तुम लोगों को, है ना? एटम से ही तो कहानी शुरू हुई ना हमारी, तो फिर वहीं से एटम से भी पहले कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? बचपन में, नाइन्थ क्लास में। अब देखो मैं नाइन्थ क्लास को यही बोलूंगी, बचपन में, हाँ मैटर से थी, वहीं से कहानी शुरू होती गई, फिर एटम पे आए, फिर मॉलिक्यूल्स में आए, इतने सारे मॉडल आए, फिर उनको हमने रिजेक्ट मार दिया, फिर हमने ये किया फलाना किया, इतने सारे चीजें कर 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 के आगे बढ़ गए, है ना? यही तो कर रहे हैं। मेरे को हमेशा बच्चे बोलते हैं मैम क्या पढ़ा रहे हो आप, थॉमसन मॉडल पढ़ाती तो कह देते हो डिस्कार्ड कर दिया इसको, पागल बना रखा है। वो कोटा फैक्ट्री देखी है तुमने? देखा है किसी ने कोटा? उसमें बोलता है ना केमिस्ट्री केमिस्ट्री की बेइज्जती कर, ठीक है चलो ठीक है। तो मैटर, अगर मैं सिंपल मैटर की बात करूं मेरा बेटा, तो मैटर, मैटर से आप क्या समझते हैं? सिंपल सी चीज है, हमारे अराउंड आसपास जो ऑब्जेक्ट्स है जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, मतलब बेसिकली सिंपल सी मोटा मोटी बात ये है, जिनका कुछ मास है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। चलो फटाफट से मेरे को कोई 10 एग्जांपल, एक एक बच्चा करके एक एक एग्जांपल डालेगा चैट बॉक्स में मैटर का, जो तुम्हारे सामने कुछ भी दिख रहा है डाल दो, एक मैं भी डालूंगी, एक मैं भी डालूंगी, ठीक है एक मैं भी डालूंगी, देखो मैं भी डालती हूँ। अच्छा बोतल, ठीक है हाँ, पेन हो गया, वेरी गुड बहुत बढ़िया, फोन हो गया, ओके मोबाइल फोन हो गया, बहुत बढ़िया। फीलिंग्स, जो फीलिंग्स होती हैं वो है क्या मैटर है क्या? वो फीलिंग्स मैटर है? फीलिंग्स नो मैम। थॉट्स मैटर है क्या? थॉट्स विचार? नो मैम। हाँ ठीक है, वैसे मेरा ये कोई प्लान नहीं था इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगाने का, बट ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम एक्टिव हो या नहीं हो। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जिसका कुछ मास होगा वो हम मैटर की कैटेगरी में जाते हैं, इससे ज्यादा इसके डिटेल में कोई भी नहीं जाएगा, समझ गए? इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाओगे, कोई नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है? नाइन्थ में जरूर पूछते थे तुम्हें, कितने दे देते थे, 10-12 वो कंपाउंड दे देते थे और पूछते थे बताओ भाई इसमें से मैटर कौन सा है ना, ठीक है? yes, अच्छा ma'am. तो ये अब क्या बताने वाली हूँ, बहुत सिंपल yes, है, इसको मैं जल्दी जल्दी से निपटाऊंगी क्योंकि इस पे मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। देखो बेटा, पुराने टाइम में कुछ फिलोसफर आए जिन्होंने काफी सारी चीजें बताई थी, पहले तो ये बोलते थे, ये नाइन्थ वाली बुक से ही कॉपी पेस्ट है ध्यान से अगर तुम नोटिस करो तो, कि
वाइड वैरायटी ऑफ काफी सारे ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास हैं वो किससे बने हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स, अर्थ फायर वाटर एयर स्काई, है ना, ये बोला जाता था. फिर कन्नड इंडियन फिलोसफर आए, उन्होंने मैटर को कुछ अलग तरीके से देखा. वो कहते हैं कि सबसे छोटा और इनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब जिसके और जिसको और हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसका नाम उन्होंने क्या, अरे हाँ स्लाइड मिलेगी ना, किस लिए इतनी सुंदर स्लाइड बनाई है, 2 घंटे बैठ के स्लाइड बनाई मैंने तुम्हारी आज, ठीक है ग्रुप में तो दूंगी. हाँ मिलेगी बेटा, पीडीएफ मिलेगी, ठीक है. तो इसको क्या नाम दिया था, परमाणु नाम दिया था, ठीक है ठीक है. और फिर क्या है, और फिलोसफर्स आए, वो कहते हैं कि जितने भी मैटर है वो कंपोज्ड ऑफ छोटे छोटे, इवन हम जो है छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बने, जिनको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो अलग अलग इनकी फिलोसफी थी मैटर के बारे में, लेकिन ना इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट नहीं किए थे, बेसिकली कोई साइंटिफिक इनका वो नहीं था, प्रूफ नहीं था. जो बंदा आया जिसने कुछ किया वो कौन था, हमारा फर्स्ट डाल्टन था, जॉन डाल्टन, हु फर्स्टली डेवलप अ थ्योरी ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. और बाद में इसी थ्योरी का नाम क्या पड़ गया था मेरा बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. यही पहला बंदा था जिसने स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है, क्या क्या जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में बताया था. तो लेटर ऑन उसका नाम क्या पड़ गया फिर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. देखो जब भी मैं बात करूँ ना थ्योरी की, ध्यान से सुन लो अब तुम, थ्योरी की बात करूंगी ना तो उसके कुछ पोस्टुलेट्स आएंगे, है ना, कि इसने ये बातें की, फिर हम कहेंगे ये झूठ हो गया, फिर हम आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है ना. तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा, इवन स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर तक तुम ऐसे करोगे, काफी सारी चीजें, रदरफोर्ड आएगा, बोहर आएगा, हाइजेनबर्ग आएगा, ठीक है. तो वही मॉडल पढ़ते जाएंगे और फिर थोड़ा बहुत उनमें कुछ कमी आएंगी तो नया बंदा आएगा, ठीक है. अब बहुत बच्चे मेरे से ये पूछते हैं, मैम फिर पढ़ा क्यों रहे हो आप, शायद आप में से भी किसी के जहन में आ रहा हो बट आप मुझसे पूछ नहीं रहे हो. तो yes, वही बात है मेरा बेटा, है ना, वही तो वही बात है. अब देखो मैं टीचर हूँ, अब मैं टीचर ऐसे तो नहीं बन गई डायरेक्ट, मैंने पहले अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, कॉलेज कंप्लीट किया, एग्जाम दिए, टीचर बनी. तुम डॉक्टर ऐसे तो नहीं बन जाओगे, लो भाई 12th से उठा के सीधा मैंने तुम्हें एक बंदे का ऑपरेशन करने के लिए भेज दिया, चलो करो. स्टेप्स ना फॉलो करोगे, पहले आप अपना नीट का एग्जाम दोगे, फिर MBBS करोगे, फिर नीट PG कुछ भी आगे करोगे. तो इवन जब प्लेन चलता है तो पहले वो क्या करता है, रनवे से फिर सीधा सीधा उड़ान भरता है. ऐसा तो है नहीं भाई सीधा उड़ गया. तो वही है, पहले हमें चीजों को, जिन्होंने मेहनत की है उनकी चीजों को हम अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है. फिर नए बंदे आएंगे वो देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किया, फिर वो अपनी कुछ चीजें लाएंगे, तो इसी तरीके से चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है. तो हमें किसी की भी बेइज्जती नहीं करनी है, ठीक है, अप्रिशिएट करेंगे कि इस बंदे ने ये काम किया है, ठीक है. चलो अब आते हैं डाल्टन के कौन कौन से जो बेसिकली पोस्टुलेट्स थे वो कौन कौन से थे, आए फिर. चलो सबसे पहला, मेरी आवाज कट रही है, हाँ जी आवाज सही आ रही है ना बेटा, यस मैम कभी कभी कट रही है, यस मैम. अच्छा आई थिंक एक दो बच्चे, एक्चुअली ना मेरा आज वाईफाई नहीं चल रहा, मैंने कुछ प्रॉब्लम है तो फोन के उससे कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर लगेगा ना आपको मैं फिर मैं अपना कैमरा बंद कर दूंगी, ठीक है. चलो ठीक है, तो सबसे पहला बेटा पोस्टुलेट क्या था कि मैटर इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल जिसका नाम क्या था, एटम था, है ना, जिसका नाम क्या बोला उन्होंने, एटम था. ये सब वो कह रहे हैं सबसे छोटा वो है पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, पहली चीज तो ये किसने बोली थी, ये डाल्टन ने बोली थी. सेकेंड पॉइंट क्या था मेरा बेटा, कि जितने भी एटम्स थे किसी गिवन एलिमेंट के, लेट से मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, सोडियम, ठीक है. तो सोडियम, सोडियम सबने सुना है ना, तो सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, बेशक उसका मास की बात करूं, शेप की बात करूं और साइज की बात करूं, ठीक है. तीसरा उसने क्या दिया था, तीसरा उसने ये बोला था कि भैया एटम्स को आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो बाय एनी केमिकल प्रोसेस, ठीक है, कि आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हो तो आप उसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो. हाँ एटम का क्या होगा, एटम का क्या होगा,
रीअरेंजमेंट होगा। आपने सुना होगा जैसे अभी एक बच्चे ने बोला था केमिस्ट्री, जब मैंने पूछा था केमिस्ट्री क्या होती है तो आपने कहा था केमिकल रिएक्शंस होता है। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ जो इसका पॉइंट था वो ये था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर, यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके नेचर डिफरेंट होंगे, मतलब उनका मास अलग होगा, ठीक है, ये चीज बोली थी। उसके अलावा उसने और क्या बोला था मेरा बेटा, उसने ये बोला था कि एटम्स, लिख लो, एटम्स डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, जैसे वॉटर, है ना, जैसे वॉटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, तो कौन से रेशियो में कंबाइन है, 2:1 में है, तो ये उन्होंने बोला था। अब मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अपने स्कूल में ये चैप्टर पढ़ लिया है, आई नो दिस इज वेरी बेसिक, आप मुझे बताओगे कि ये बात कितनी सच है जो मैंने अभी तुम्हें बोली, ये चीजें पोस्टुलेट्स बोली, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, आपने कभी पढ़ा है डॉल्टन की कोई लिमिटेशन भी है क्या, किसी को कुछ पता हो तो प्लीज बताइए। अच्छा पूर्वा बताएंगी, पूर्वा, हाँ बेटा। मैम लाइक डॉल्टन ने कहा था कि जो आइटम्स है वो फर्दर और पार्ट्स में, जो आइटम्स है वो फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता, बट जो और आगे थ्योरीज आई उन्होंने दिखा दिया कि एटम के अंदर भी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डॉल्टन का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो ऐसे वो ड्रॉबैक आ गया उसका। शाबाश, क्लैपिंग करो भाई, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, मतलब मैं शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है जो पूर्वा ने बोला है, वेरी गुड बेटा। और बताओ अगर और किसी मैम के प्रोटॉन को आगे फर्दर डिफरेंट, मैम प्रोटॉन को क्या फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, किसको, प्रोटॉन को, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को, नहीं 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 किया जा सकता। और बताओ, और पोस्टुलेट बताओ, न्यूट्रॉन के अलावा और भी होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, लाइक पॉजिट्रॉन भी होते हैं, बट वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बताओ, बस हाँ रिया आप बताइए। ड्रॉबैक था मैम, इसका ड्रॉबैक था कि इन्होंने ये स्टेट करा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट नेचर्स, पर जब आइसोटोप्स का वो हुआ डिस्कवरी तो ये वाला हमारा जो पोस्टुलेट था उसका ड्रॉबैक आ गया आइसोटोप्स की वजह से। शाबाश, बहुत ही बढ़िया भाई, क्या बात है। और बताओ, हाँ रिया आप बताइए। मैम डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। नहीं वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन आएगा। और बताओ, आइसोबार, हाँ आइसोबार वाला भी, ठीक है। तो मैं एक बार कंपाइल कर देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे क्या क्या बोला है। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों ने ये बोला कि मैम एटम से भी और छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लाइक प्रोटोन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, और आपके क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, और भी होते हैं बट वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने अभी बोली कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, बट ये सच नहीं है। आपको पता है हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन, प्रोटियम, इसको हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन तीनों के क्या होते हैं मास अलग अलग होते हैं, 1, 2, 3 है, तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप, तो आइसोटोप वाली चीज आती है, ये थोड़ी सी अपनी गलत हो जाती है। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी मैं बोलूंगी। अगर मैं, आपने सुनी होंगी न्यूक्लियर रिएक्शन सुनी होंगी, तो अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्शन में देखूं तो वहां पे एटम्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर, जैसे मान लो मैं एक कैल्शियम ले लेती हूँ और मैं ले लेती हूँ आर्गन, अब ये डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन इन दोनों का मास क्या होता है, कोई बताएगा मुझे कैल्शियम और आर्गन का? मैम 40 होते हैं, श्योर
कैल्शियम का 40 होता है और आर्गन का, आर्गन का बताइए, आर्गन की नहीं मालूम है, हाँ बताओ 39.9 मैम, आर्गन का भी 40 होता है। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे वो आइसोबार वाली चीज आ जाएगी। हाँ बेटा पूर्वा, ठीक है, तो जैसी आइसोबार, हाँ हाँ मैंने 39.9 को 40 लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, ठीक है पूर्वा, तो जैसे यहाँ पे आइसोबार वाली चीज आ जाएगी, ये भी मेरी बात जो है इसमें लिमिटेशन आ जाएगा। लेकिन अब आपको क्या करना, मान लो तुम्हारे पास सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें ये नहीं बताना कि उसकी लिमिटेशन क्या थी, तुम्हें ये ध्यान रखने हैं कि डोल्टन के पोस्टुलेट्स क्या हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फटाफट आओ, मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, दैट इज इन मास, शेप एंड साइज, although there are limitation as well, atom cannot be created nor be destroyed, atom of different element are different in nature, atoms of different element combine in simple whole number ratio. kya ye points clear ho gaye, jaldi se bataiye. yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am. pata maine kyu itna zor diya hai, abhi yahan pe hum ek question karenge, dusra question karenge, theek hai. ek bar main classification of matter bata deti hu, matter ki classification batao bhai, agar main baat karu ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल सॉलिड लिक्विड गैस, शाबाश। और अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ सकते हो, बट मैं करा देती हूँ एक बार, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर कौन से होते हैं बताओ, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, प्योर एंड मिक्सचर, मिक्सचर और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आप क्या पढ़ते हो, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और इसमें आप होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, ये तुम अपनी सिंपल बुक से भी रिवाइज कर सकते हो, बट अगर नहीं करना तो मैं कह दूंगी आपको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, वाई छोड़ दो, क्योंकि ये आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपके 9th-10th में आता था बट अभी नहीं आएगा। हाँ श्रेया बोलो बेटा। मैम एक चीज पूछनी थी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये भी ड्रॉबैक होगा क्या कि वो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? वो अभी जब मैं वो बताऊंगी ना, सारे लॉज बताऊंगी, तो उसमें आएगी वो चीज। ठीक है, अभी मैंने वो बताई नहीं इसीलिए। ओके मैम, तुम सही सोच रही हो बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, सॉलिड लिक्विड गैस में इसको हम ज्यादा नहीं देंगे तवज्जो, सॉलिड वाला जो चैप्टर है वो क्लास 12th में आता है, फर्स्ट चैप्टर जो कि डिलीट हो चुका है, ऑटोमेटिकली तुम्हें ये पढ़ना ही है। लिक्विड आपका चैप्टर 12 का, सॉरी ग्रेड 12 का सेकेंड चैप्टर है सोल्यूशन, वहां पे पढ़ाऊंगी। गैस का स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है जो कि 11th में डिलीट कर दिया, अगर तुम्हें मालूम हो। ठीक है, तो ये भी हमें नहीं पढ़ना। हाँ कुछ कुछ चीजें इसमें पढ़ेंगी, अरे रुक जाओ, हाँ फिजिकल में सोलिड लिक्विड गैस, इसके अलावा बोन साइनस्टीन और ये प्लाज्मा होती है, बट वो नहीं पढ़ते हैं ना मेरे बेटा। ठीक है, तो मेजर हम तीन ही पढ़ते हैं, सोलिड लिक्विड गैस। हर साल बच्चे को, मेरे को 5-4.5 साल हो गए हैं, हर साल एक बच्चा ये क्वेश्चन जरूर पूछता है तो आई कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, ठीक है जी, तो अब बेसिकली तुम्हें क्या करना है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, पढ़ना चाहते हो तो तुम बुक से पढ़ सकते हो, इसको रीडिंग ले सकते हो, लेकिन ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है इन चीजों पे। ठीक है, आप मुझे बस ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे कैसे करना है, क्लास में क्वेश्चन रूल है उस चीज का, यू हैव टू रेज योर हैंड। अगर आप लोगों ने कर लिया है इसको सोल्व, पहले अच्छे से पढ़ लो इसको, अगर आपने पढ़ लिया है तो ही आप रेज हैंड करना। ठीक है, अब ये मत कहना मैम जेई का क्वेश्चन है ये, तो बेटा मैं यहाँ पे जेई के भी करवाती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, नीट के तो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। आई होप कर रहे हो सभी। मैम ऑप्शन बी शायद से
अरे दक्ष मैं को चौथा लगवा दूंगी आज। मैंने कहा आता है तो हैंड रेस करो। मैम पोल लगा दीजिए। अभी पोल के लिए, अच्छा पोल लगा दूं क्या? दूसरे क्वेश्चन में लगाते हैं मेरे बेटा। एक क्लास में मैं ज्यादा से ज्यादा एक या दो पोल ही लूंगी क्योंकि फिर वो हो नहीं पाता है। बट हाँ ले तुमने कहा तो मैं सेकंड क्वेश्चन में पोल लगा लूंगी। ठीक है ओके मैम। ठीक है दक्ष ने हैंड रेस कर लिया। आलिया, सलोनी, पूर्वा, मीनाक्षी। हाँ मीनाक्षी आप बताओ बेटा। नाम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। बीओडी, बीओडी बोला आपने। बाकी दक्ष आप क्या कह रहे थे? मैम ऑप्शन बी। एबीडी। ठीक है और बताओ, चैट बॉक्स में दे दो आंसर फटाफट से। चैट मैम ए ऑप्शन। बॉक्स में बोल सकते हो ए ए बी एंड डी। ठीक है ठीक है, मोस्टली आर सेइंग ऑप्शन ए। देख लेते हैं एक बार, आ जाओ। आपसे पूछा इनकरेक्ट है ना, जब भी आपके सामने आ जाए ना मेरा बेटा करेक्ट या इनकरेक्ट, तो प्लीज उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इनकरेक्ट पोस्टुलेट आपको बताना है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, ये तो ठीक है ना, दिस इज ट्रू। यस मैम। ठीक है तो ये बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। मैटर्स, मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम, दिस इज करेक्ट और रॉन्ग, दिस इज फॉल्स, इनडिविजिबल। ठीक करेक्ट। है तो बी हो सकता है। बी देखो किसमें, यहाँ पे यहाँ पे, यानी कि ये ऑप्शन बी गया। यानी कि बी और डी तो पक्का ठीक ही है, तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं है, ई पे आना है। समझ गए ना किस तरीके से एलिमिनेट कर रही हूं मैं? एक बार कैमरा मेरा बंद है। ठीक है यस मैम। अब आगे आओ। कंपाउंड्स आर फॉर्मड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, दिस इज करेक्ट। करेक्ट है। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मास। करेक्ट। इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है। गलत है ना, उसने बोला था ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आइडेंटिकल इन ऑल एक्सपेक्ट, लाइक साइज हो गया, शेप हो गया, मास हो गया, तो दिस इज फॉल्स मेरा बेटा, इनकरेक्ट। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, इज दिस करेक्ट ना? रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे भी मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड टूटते हैं। शो नहीं हो रहा है क्या? आई गेस नेटवर्क इश्यू है बेटा। फिर दिस इज, तो बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस मैम। इस क्वेश्चन के लिए मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बिकॉज आलिया कह रही थी। ठीक है तो मैं, अभी आपकी पहली क्लास है, आप लोगों को नाराज नहीं करूंगी। ठीक है मैं इसके लिए पोल लॉन्च कर रही हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर टू ए बी। ओके मैं कर रही हूँ बेटा, मुझे बस 5 सेकंड दे। ओके देखिए आपको क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसके 4 ऑप्शन डाले हैं मैंने, ए बी सी डी। आपको बताने इनकरेक्ट स्टेटमेंट चैट बॉक्स, उसमें पोल में दो आंसर। मैम पोल नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, उसमें जाओ, 3 डॉट पे जाओ, एक्टिविटीज में जाओ बेटा। एक बार फोन से ज्वाइन करो, मतलब करा है तो। नो मैम नहीं आ रहा।
अच्छा आई गेस कुछ का रहता है इशू, कोई बात नहीं, जिसका नहीं हो रहा है ना वो हैंड रेज कर लो बेटा। वेरी गुड, वोट आ गए हैं, शाबाश। चलिए तो वेरी गुड, 17 वोट्स आ गए हैं एंड मेरे को जो आंसर मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है ए को। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर लो अपने लिए जिन्होंने ए को वोट दिया है बेटा, एंड जिन्होंने बाकियों को वोट दिया है आप देखिए बेटा कि क्या मिस्टेक हुई है। ठीक है, देखो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन एनी रेशियो, दिस इज रॉन्ग ना, फिक्स रेशियो में कंबाइन, ऐसे तो ना फलाने कुछ भी कंबाइन कर दोगे एनी रेशियो में, नहीं। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस बिकॉज आपसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर आ गया। बाकी भी हम देख लेते हैं, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम, ठीक है मैम ट्रू है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, मैम ट्रू है। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास अकॉर्डिंग टू डाल्टन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। समझ में आया? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, ओके अब आगे चलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास पे। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो क्लियर करनी है मेरे को। देखो बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल चीजें हैं, समझते जाओ बस, है ना। यहाँ से क्वेश्चन रेयर ही है कि बने, बट यस मोल कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले ये छोटी छोटी चीजें जो है हमें समझनी पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा फिर हमारा। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जिसको हम आरएएम भी लिखते हैं मेरा बेटा, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आया था डाल्टन से, ठीक है, वो था रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। सबसे पहले हम यही डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था, हम इसमें क्या करते हैं, हमें अगर बेटा किसी का भी मास देखते हैं ना, हम किसी का भी मास डिटरमाइन करते हैं, किसी का भी मास निकालना होता है, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस सेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, मान लो तुम 24 बच्चे यहाँ पे बैठे हो, तो मैं बोल रही हूँ श्रेया का, श्रेया का मान लो केमिस्ट्री में नंबर आए 100 में से 90, गेटिंग माई पॉइंट, हाइएस्ट इसी के हैं क्लास में। अब बाकी के 23 बच्चे क्या करेंगे, अपने जो मार्क्स कंपेयर करेंगे वो किससे कंपेयर करेंगे, श्रेया के मार्क्स से कंपेयर करेंगे, है ना, बिकॉज शी इज द टॉपर, है ना। वो देखेंगे कि हमारे श्रेया से कितने कम आए हैं क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे है, राइट। तो अब देखोगे कि कितने आए हैं, किसी के 89 आ रहे होंगे, किसी के 88 आ रहे होंगे, है ना। लव रुक जाए नो, तुम्हें ज्यादा आता है, रुक जाओ, है ना मेरे बेटा। ठीक है, तो आप बेसिकली श्रेया से कंपेयर करोगे, श्रेया एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बन गई है, जिसके जिसको रेफरेंस मान के आप अपने देख रहे हो कि आप कितना आगे पीछे हो। ठीक है, तो बेसिकली इसी तरीके से अगर हमें एटम का मास पता करना है तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस सेट करना पड़ेगा, जो कि हमने कितना कौन सा किया, कार्बन 12 C12 हमने क्या किया, रेफरेंस सेट किया। इससे पहले हाइड्रोजन भी आया, ऑक्सीजन भी आया, बट उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, रिजल्ट्स उससे इतने बेटर नहीं मिले, तो हमारा जो रेफरेंस था वो क्या था, हमारा C12 था। ठीक है जी, 1967 में इसको एज अ स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया। बोलो हाँ के ना, ये पढ़ी है ये चीजें? यस मैम, बहुत बढ़िया, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हांजी कनिका बोलो कुछ हुआ, मैं ना डर जाती हूँ, कुछ हो तो नहीं गया, कुछ हुआ नहीं तो हैंड्स डाउन कर लो मेरा बेटा, हाँ नहीं तो चैट बॉक्स में लिख देना। अच्छा, वो तुमने हैंड रेज किया ना, तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है चंदा बेटा, इसमें मैंने सिर्फ ये बताया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास में हम क्या करेंगे,
एलिमेंट्स के मास को पता करने की कोशिश करेंगे। बाकी मान लो तुम्हें हीलियम का मास पता करना है, ठीक है, आपको नाइट्रोजन का करना है, तो हमें उसके लिए क्या करेंगे, एक रेफरेंस सेट कर देंगे। और वो जो हमने रेफरेंस लिया है वो क्या लिया है मेरा बेटा, C12 लिया है। C12 का मतलब क्या हुआ, कार्बन का 12th वाला आइसोटोप। गेटिंग माई पॉइंट? इससे पहले हाइड्रोजन आया था, ऑक्सीजन आया था, उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, जो हमारे जो फाइनली एडोप्ट किया गया दैट इज C12। इससे ज्यादा आप लोगों को इसमें कुछ नहीं पढ़ना है बेटा, ठीक है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है बताएगा कोई, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? लिखो मास ऑफ, लिखो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ वन C12 एटम, बोलो क्या कहते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास का अगर मान लो तुम्हें डेफिनेशन दिया हो मेरा, सॉरी डेफिनेशन पूछा हो तो क्या लिखोगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, एक एटम के मास कितना है, डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ वन C12 एटम। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या ये तुम्हें पता है बेसिक, अगर मैं तुमसे थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि अगर मान लो लेट से कोई भी एलिमेंट है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर लिखते हो आप जेड से और उसका मास नंबर लिखते हो आप ए से, ये मालूम है ना आप लोगों को थोड़ा सा? yes, आपका जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और ए तुम्हारा मास नंबर होता है। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो, और आपको ये भी पता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आई नो दूसरा चैप्टर है बट ये पढ़ा होगा ना कि जो एटम का मास है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन का तो मास ना के बराबर है, बहुत ज्यादा लाइट है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स की वजह से ही होता है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन, यस मैम, है ना, ठीक है, फिर ठीक है। तो अगर मैं बेटा यहाँ पे बात करूं मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं प्रोटोन और न्यूट्रॉन का सम ले लूं तो उस वो किस क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, पता है ये चीज तुम्हें? यस मैम। प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो एक बार बताओ, अगर मुझे एक एटम का मास लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, क्या कहते हो बोलो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं और उसमें से एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है, तो आपको एक एटम का मास पता चल जाएगा। थोड़ा सा फील लो मैं क्या बोल रही हूं, ठीक है, हाँ आगे चलूं क्या? अब नीचे देखो 1/12 ऑफ इनटू मास ऑफ वन C12 एटम का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 12 ही हैं, बिकॉज देखा जाए तो प्रोटोन और न्यूट्रॉन है क्या, मास नंबर ही तो है, क्या कहते हो, तो मास ऑफ वन C12 एटम टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे, 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, क्या कहते हो, हाँ या ना? यस मैम, यस। अब यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से मुझे दिख रहा है मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन से, एक मिनट रुक जा बेटा, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन से मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन कैंसिल हो गया, बीच में मत रोका करो, हैंड रेस कर लिया करो, है ना, क्योंकि ब्रेक हो जाता है फ्लो। मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन से मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन गया, 12 से 12 गया, तो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास मेरा किसके बराबर आया बेटा, बोलो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, और ये क्या है, मास नंबर ही तो है, बोलो क्या कहते हैं? Yes, ma'am. अब आपने शायद पढ़ा भी होगा ये रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस, ये ऐसे आया, ठीक है, हाँ जी, क्या नाम है, हर्षित बोलो। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हाँ मैं करती हूँ, ठीक है, कर देती हूँ, अरे कोई नहीं है, तुम मेरे से दो बार करवा लो, ठीक है। तो यहाँ तक हर्षित समझ में आया रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा अगर मैं बोलूं एक एटम के मास की तो कैसे लिखोगे, टोटल न्यूक्लियॉन्स बोले तो आपका मास नंबर, ठीक है, कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका सम
इनटू अगर मेरे को एक न्यूक्लियन का मास पता चल जाए, मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट आ जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, 1/12 इनटू मास ऑफ 1c12 एटम। मास ऑफ 1c12 एटम का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियंस कितने हैं, 12 हैं, बिकॉज कार्बन का 12th आइसोटोप है। मास नंबर कितना होता है उसका, 12। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, हाँ के ना। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, मैंने 12 लिख दिया यहाँ पे, इनटू एक न्यूक्लियन का मास। तो न्यूक्लियन का मास ऊपर नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनली क्या आके निकल जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट अ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकती थी बेटा, रट लो, रिलेटिव एटॉमिक मास न्यूक्लियंस के बराबर होता है, टोटल कितने हैं, बट अपन रट्टा नहीं मारते, देख लेते हैं एक बार कि कैसे आया। अगर तुम इसके बाद भूलना है तो भूल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट होती है क्या, नहीं होती है। अरे मेरे को दक्ष बैठा है क्या, दक्ष है क्लास में, जी मैम, अच्छा दक्ष ध्यान है ना मेरा बेटा यहाँ पे, क्लियर, अगर क्लियर तो प्लीज गिव मी थम्स अप, क्लियर तो गिव मी थम्स अप जल्दी से फास्ट। नेक्स्ट आता है जिसको जिसको क्लियर होता जा रहा है सेकंड डालो एटॉमिक मास यूनिट, फिर भी अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ मेरे को क्लास के बाद रोक सकते हो। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, अब ये हमें समझना है। पिज्जा खाया सबने, यस मैम, कितने स्लाइसेस खाते हो एक टाइम, एक टाइम पे कितने स्लाइसेस खा जाते हो मैम, एक टाइम पे एक, उसके बाद पूरा पिज्जा। अच्छा ठीक है, अच्छा सारे के सारे कौन खाता है, 4 पीस वाला मंगवाते हो, 6 वाला, 8 वाला, है ना, देख मजाक की बात, भाई से बचा लिए तो सारे खा लेंगे, है हाँ, मेरे साथ ही ऐसा ही होता है। देखो अब अपने को क्या करना है मेरा बेटा, क्योंकि हमने बाकी एलिमेंट के मास के पता लगाने के लिए कार्बन C12 वाला आइसोटोप लिया है एज अ रेफरेंस, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको बार बार दिखेगा कार्बन 12, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये अपने पास क्या है, एक C12 का एटम है, समझ रहे हो, कार्बन का एटम है 12th वाले आइसोटोप का, बहुत गंदा गोला बना है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आपको क्या करना है मेरा बेटा, जो ये कार्बन 12 का एटम है ना, इसको इक्वल पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऐसा नहीं है किसी का वजन हल्का होगा किसी का वजन भारी होगा, मतलब इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। तो मैंने ना जान करके एक इमेज लगा दी, क्योंकि मैं तो डिवाइड कर नहीं पाऊंगी, आपको दिखेगा मैम एक तो आप छोटा बना रहे हो, एक आप मोटा बना रहे हो, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस तरीके से इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, इसको अगर मैं यहाँ पे चिपका दूं, ये देखना एक बार, ये देखो दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, यस मैम, उसके 12 हिस्से कर दिए, ठीक है। तो अगर मैं उन 12 हिस्सों में से एक हिस्से को निकाल लूं बाहर, आपको दिख भी रहा होगा, ये रहा, ये देखो ये रहा, ठीक है। अब ये 1/12 हिस्सा क्या है, देखो मेरी लैंग्वेज अपना देसी भाषा में समझते हैं, 1/12, 1/12 हिस्सा जो होगा ना कार्बन 12 का, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, जिसको आप AMU से लिखते हो, ठीक है, 1/12 हिस्से को ही क्या हम बोल रहे हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोल रहे हैं। हाँ जी आफ्ताब बोलो बेटा, वॉइस क्रैक हो रही है थोड़ी, दोबारा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरी वॉइस सबके लिए क्रैक हो रही है क्या, प्लीज कंफर्म अदर, क्योंकि फिर मैं अपना कैमरा बंद करती हूँ बेटा, ये थम्स अप कौन सा था, नो वाला, यस वाला, क्लियर है, अच्छा हम क्लियर है आपकी वॉइस, ठीक है, ओके। अब मैं दोबारा बता देती हूँ, देख बेटा इधर, मैंने कहा है कार्बन के 12 हिस्से कर लिए तुमने इक्वल पार्ट्स में, उसका जो 1/12 हिस्सा होगा ना, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। अगर तुमसे पूछे कि 1 AMU क्या होता है, तो क्या बोलोगे, 1/12 हिस्सा कार्बन 12 का, उसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, हाँ या ना, बोलो क्या, yes, yes, ma'am.
बहुत बढ़िया। यस मैम। तो क्या मैं वन, अभी मैंने इधर एक चीज नोटिस करी है तुमने, जो मैंने ये लिखा था 1/12 ऑफ मास ऑफ 1c12 एटम, ये है क्या 1 amu? तो है, क्या कहते हो? तो 1 amu को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैं अलग, अगर आप चाहते हो मैं अलग से लिख दूं, मैं अलग से लिख देती हूँ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1c12 एटम, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या मैं 1 amu को ये बोल सकती हूँ कि एक न्यूक्लियन का मास होगा इन c12 एटम, बोल सकती हूँ? ठीक है, अच्छा, जो इसका बेसिकली 1 amu का जो मास आया है वो कितना है मेरा बेटा, या प्लीज याद कीजिए 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम होता है, ये काम आएगा बहुत ज्यादा। ये जो मैंने बोला ना 1/12 हिस्सा, इसका अगर वेट करोगे तो कितना है 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। अगर वो आपको केजी में बोल रहा है तो -27 kg, आप कोई एक याद कर लो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे कि -27 kg था या ग्राम था। आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ग्राम वाला कर लो, बाकी इट्स अप टू यू, मेरे को क्योंकि ये याद रहता है 1.66 × 10⁻²। एक्सप्लेन करेगा कोई, कोई एक्सप्लेन करेगा सलोनी वाली चीज को? मैम क्या बोला उसने? सलोनी ने बोला मैम ये तो प्रोटोन का मास है। सलोनी मैं आऊंगी तुम्हारे टॉपिक पे जरूर, ठीक है? तो 1 amu क्या है मेरा बेटा, इसका मास कितना है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। अगर वो केजी में पूछ रहा है तो केजी में चेंज कर लोगे, पता है ना कितना होता है 1 kg = 1000 ग्राम। ठीक है मेरा बेटा, हो जाएगा। चलो उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट, आई होप क्लियर हो गया है। अच्छा हाँ, कई जगह ना आप देखेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट को क्या करते हैं, कहीं कहीं पे ना यू भी लिखा होता है, आपने नोटिस किया होगा, यूनिफाइड मास, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा तीसरा जो टर्म आता है एटॉमिक मास। अब अपने को ये पता करना है कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास, चैट बॉक्स में डालो, जल्दी डालो, एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास, जिसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, एएमयू में लिख सकते हो, डोल्टन में लिख सकते हो, यूनिफाइड मास में लिख सकते हो, कोई वो दिक्कत नहीं है, जल्दी लिखो एटॉमिक मास क्या होता है, जल्दी लिखिए। हाँ, एक एटम का मास, हाँ। तो एक बात बताओ, ये कैसे आया, इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था मेरा बेटा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यही था, और नीचे क्या था, 1/12 ऑफ, बताओ, मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, अब मुझे ये बताओ मास ऑफ वन एटम यानी कि एक एटम का मास, दिस इज योर एटॉमिक मास ना, दिस इज योर एटॉमिक मास, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर, इनटू ये क्या था, 1 amu था, हाँ कि ना? 1 amu, बोलो क्या कहते हो, क्या कहते हो? तो एटॉमिक मास क्या हो गया तुम्हारा, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू, बोलो बोलो जल्दी, 1 amu। तो यहाँ पे वैसे मैंने दोबारा भी लिख दिया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। तो अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें अभी सिर्फ यही बताया रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाई वी स्टडी दिस, है ना, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया है एटॉमिक मास क्या होता है, बोलो ठीक है क्या, क्लियर हो गया? अब उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, आगे है हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, पहले एक बार पढ़ लो मेरा बेटा, आपको ये बोल रहा है कि फाइंड द, देखो प्लीज पहले मत बोलना, फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड इट्स एटॉमिक मास, यू हैव टू टेल मी द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड इट्स एटॉमिक मास, सी ऑप्शन, सी कहाँ है, सी तो है ही नहीं, आप
अरे कौन सा ऑप्शन देख लिया, स्लाइड बैक स्लाइड दिखाऊं क्या? हाँ ये चलो ठीक है, चलो बेटा आगे है परमिशन ठीक है। अच्छा तुम्हें फास्ट तो नहीं लग रहा ना, नॉर्मल है ना? ठीक है ठीक है, कुछ बच्चों को स्लो भी लग सकता है। फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, बताओ भाई जिसको आता है हैंड रेस करो। शाबाश वेरी गुड, करो करो। नहीं हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? अच्छा हाँ एक चीज और ध्यान रखना मेरा बेटा, मैं पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो तुम्हें कुछ कुछ एलिमेंट्स के ना एटॉमिक मास पता होने चाहिए, ऑक्सीजन का मालूम होना चाहिए। मैं समझाती हूँ बेटा आशिया, जैसे नाइट्रोजन का हो गया, मतलब हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के सबको मास पता होने चाहिए, क्लियर है? अगर नहीं पता तो कल याद करके आओगे, प्रॉमिस करो मेरे को। ये चीज पता है तो वेल एंड गुड है बेटा, नहीं मालूम है तो पढ़ के आना है, क्योंकि इसके बिना तो फिर केमिस्ट्री का कोई वो ही नहीं है पढ़ने का फायदा। चलो मैं कराती हूँ, चलो आज रिलेटिव एटॉमिक मास मेरा बेटा क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता था, हाँ या ना? यानी कि मास नंबर के ही बराबर होता था। अब मुझे ये बताओ ऑक्सीजन का मास कितना होता है, बोलो। 16 AMU तो कैसे बताओगे मेरा बेटा? आपको पता है 1 AMU में कितना होता है, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। तो तुम्हारे पास आ जाएगा ना एटॉमिक मास आ जाएगा, एक एटम का मास आ जाएगा ग्राम में, हाँ या ना? यस यस मैम। चलो थोड़ा सा और फील देती हूँ तुम्हें, एक बार बताओ मेरा बेटा, अगर मैं बोल रही हूँ कि ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 AMU है, तो इसको तुम कैसे समझ सकते हो? दिस इज द 16 × 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम, यानी कि जो 1/12 हिस्सा था ऑक्सीजन, उससे कितना गुना भारी है? 16 गुना भारी है। 16 गुना। अगर मान लो तुम एक तराजू ले लेते हो, तराजू मतलब जिसपे आप वो करते हो वजन करते हो, तो बेसिकली अगर तुम इस पिज्जा स्लाइस का जो 1/12 हिस्सा था, इसके 16 पीस रख दो और यहाँ पे ऑक्सीजन रख दो, तो उसका वेट क्या आएगा? बराबर आएगा। बराबर आएगा। अगर मान लो मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेटा हीलियम है, कहाँ पे बताऊ? यहाँ पे बता देती हूँ, कोई नहीं, हीलियम है, उसका होता है 4 AMU। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/12 हिस्से से कितना टाइम्स हैवियर है? 4 times. तुमने एक जगह क्या रखा, उसका पिज्जा स्लाइस जो तुमने लिया था उसके 4 पीस और एक जगह हीलियम, तो दोनों का वेट क्या आने वाला है? बराबर आएगा। अब समझ में आ रहा है कि उसको कैसे हमने रेफरेंस यूनिट मान के मास निकाले? ठीक है मेरा बेटा, तो इसीलिए आपको मास तो पता होने चाहिए, वरना केमिस्ट्री में काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास पे, आ जाए, वी हैव टाइम ना, 8:30 तक है क्लास। तो अगर मैं मेरा बेटा मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा तुम्हें बताऊं, तो मॉलिक्यूल होता क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसकी फ्री एग्जिस्टेंस होती है, जैसे आपका H किस में एग्जिस्ट करता है, H2 में, N किस में करता है, H2 में, सॉरी N2 में करता है, ऑक्सीजन O2 में करता है, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू एटम, बोलो, बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। यस मैम, सिंपल चीज है। ओके, अब एक बार बताओ, क्या तुमने एक वर्ड सुना एटॉमिसिटी? यस मैम।
क्या होता है एटॉमिसिटी, कैन एनीवन टेल मी? दैट्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. एक सेकंड, वेयर इज दक्ष? दक्ष तो अभी वहीं अटका है मैम. प्रोटॉन को फर्दर डिवाइड कर सकता है क्या? दक्ष कहां पे है बताओ? एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी, हां मैम, एक मॉलिक्यूल्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे एटॉमिसिटी कहते हैं. वेरी गुड मेरा बेटा, शाबाश. नंबर ऑफ तालियां हो जानी, क्लैपिंग करते रहा करो, मोटिवेट करा करो एक दूसरे को. नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ये बोल सकती हूँ. मैंने सोचा दक्ष वहीं अटका हुआ है. मैम प्रोटोन को आगे डिवाइड कर सकते हैं क्या? मैम क्वार्क्स नाम का कुछ पढ़ा था, वो क्या है? दक्ष चलो, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल. अब मुझे बताओ जैसे O3 में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? थ्री. एक तुम्हारे पास H2SO4 सुना होगा तुम लोगों ने, सल्फ्यूरिक एसिड. कितने एटम्स हैं इसमें? कितने हैं? सेवन. अच्छा हाँ प्रणवी, डोंट वरी बेटा, मैं शेयर कर दूंगी बिल्कुल बेटा क्लास के. एक्चुअली मेरी इसके बाद क्लास है तो 10:15-10:30 तक तुम्हें मिल जाएगी स्लाइड्स, डोंट वरी. ठीक है, H2O में बताओ कितने एटम्स हैं? थ्री. ये बहुत बेसिक्स है ना, समझ में आ रहा है? एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, इसमें दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और चार ऑक्सीजन. ठीक है चलो ओके, आगे हम चलते हैं. मॉलिक्युलर मास क्या होता है? मॉलिक्युलर मास, एटॉमिक मास क्या था मेरा बेटा? मैम एक एटम का मास. तो मॉलिक्युलर मास क्या हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा. जैसे अगर मैं बात करूं H2, H का कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है. H2 का कितना होगा? 2AMU. बोलो हां के ना. O3 का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? तीन. तो तीन का कितना हो जाएगा? 48. अगर H2SO4 का निकालूं तो कितना निकालोगे? आता है निकालने? हाइड्रोजन का एक होता है तो टोटल कितने? 2. प्लस सल्फर का कितना होता है? 32. और ऑक्सीजन का कितना होता है? 60. टोटल 64. तो ये कितना आ जाएगा? 98. इसका मतलब क्या हुआ? इसका देखना, 48 AMU का मतलब क्या हुआ कि ये 1/12 हिस्से से कितने टाइम्स हैवियर है? 48 टाइम्स हैवियर है. समझ आ गई? यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो ये बेसिकली आपको क्या करना था, थोड़ी सी बेसिक चीजों के बारे में पढ़ना था. ठीक है, अब फाइनली हम क्या आएंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? मोल के बारे में पढ़ेंगे, मोल के बारे में, क्योंकि मेन आपका चैप्टर का वहीं से स्टार्ट होता है. अभी तक तो मैं बहुत बेसिक बता रही थी आप लोगों को. ठीक है, तो अब देखो मोल, आप लोगों ने काफी सारी चीजें, काफी सारे मतलब पता होंगे. किसी ने ये भी ऐसे भी याद करा होगा कि मैम 1 mole = 6.02 × 10³. तो मैं इसको आपको जैसे पता है बहुत अच्छी बात है, इसको मैं थोड़ा सा अपने अंदाज में बताना चाहूंगी ताकि आपको याद रहे. ठीक है, देखो बेटा सीधी सी बात है, जैसे हम चीजों को मैथ्स में सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे आपने सुना होगा, सुना क्या पता ही होगा कि हम वन पेयर, अगर कोई मुझे बोल रहा है कि वन पेयर, तो उसका बाय डिफॉल्ट मतलब है, उसका मतलब है दो से, है ना? जैसे वन पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब क्या है? मेरे दो हाथ है. ठीक है, वो बोल रहा है कि टू पेयर शूज, कितने हैं वहां पे? चार है. फोर. दो जोड़ी शूज यानी कि चार जूते हैं. ठीक है, ये हमें पता रहता है. तो हम क्या कर रहे हैं, चार को हमने बोले कि भैया चार शूज है, तो हमने उसको सिंप्लीफाई करके बोले भैया दो पेयर है. ठीक है, जैसे हम सिंपल ये भी बोलते हैं कि एक डजन में कितना होता है? 12 होता है. 12 units. तो हमने 12 यूनिट्स को क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया कि 12 बोल रहा है तो मतलब एक डजन है. हम बोलते हैं एक डजन एप्पल दे दो, तो उसको पता है वेंडर को कि भैया इनको कितने एप्पल देने हैं? 12 देने हैं. एक डजन एग दे दो, तो उसको पता है कितने देने हैं? 12 एग देने हैं. तो मैथ्स में चीजें सिंप्लीफाई कर रखी है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर में सिंप्लीफाई कर रखा है. अब दिक्कत क्या है मेरा बेटा, हम जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, वो हम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, लाइक एटम, है ना,
ये न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे हैं। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते भैया दो एटम, चार एटम, बारह एटम, बारह मॉलिक्यूल, ये बहुत छोटे हैं, स्टडी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इनको स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लेना पड़ेगा। जैसे हमने दो को बोल दिया भैया एक पेयर, चार को बोल दिया दो पेयर शूज, बारह को बोल दिया भैया बारह एप्पल मतलब एक डजन एप्पल। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे ही मैं क्या बोलती हूँ कि 6.022 × 10⁻³ पार्टिकल्स को मैंने क्या नाम दे दिया, एक मोल नाम। बोलो क्या कहते हो, है ना? तो मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कितने पार्टिकल्स है, क्योंकि हम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी कर रहे हैं ना मेरा बेटा, तो इसीलिए हमने क्या लिया, इतना बड़ा नंबर लिया 6.022 × 10⁻³ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, उसको हमने क्या बोल दिया भैया, एक मोल है। अब तुम में से कोई जाएगा, मान लो रिया जाती है एक शॉप पे और वो बोलती है अंकल मुझे ना एक मोल चॉकलेट दे दो, क्या होगा फिर? हम देंगे ही नहीं। वो कहेंगे हम तो दे देंगे, तुम देख लो घर लेके जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, है ना? ठीक है, तो बेसिकली तो माइक्रोस्कोपिक पे हम जो है ये जनरली क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो अगर किसी के पास, देखो एक मोल रुपए आ जाए किसी के पास, क्या होएगा? एक मोल मजे, जिंदगी सवर जाएगी, मेरे पास आके मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी, ऐश मारूंगी, मस्त मालदीव्स, मालदीव्स घूमने जाऊंगी, दुबई घूमने जाऊंगी, बस जिंदगी भर ऐश करूंगी, है ना? ठीक है ठीक है, तो अगर हम बड़ी चीजों को देखें तो वन मोल बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, लेकिन हम पार्टिकल्स के लिए देखें तो हम यूज करते हैं वन मोल, ठीक है? तो यस, तो अब बेसिकली क्या है, तो अगर मैं वन मोल की डेफिनेशन बोलूं तो तुम, अरे क्या हो गया, तुम लोग हाथ ऊपर करके नीचे कर लेते हो। तो वन मोल की अगर देखो डेफिनेशन बोलो, डेफिनेशन का तो रखता तुम मार ही सकते हो कहीं से भी, बट फील आनी चाहिए। तो वन मोल बेसिकली है क्या, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज, एंटिटीज बोले तो एटम, मॉलिक्यूल या कोई हो, पार्टिकल्स एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 0.012 केजी और 12 ग्राम। मतलब वो कह रहे हैं कि 12 ग्राम में जितने आपके क्या होंगे, एटम्स होंगे, ठीक है, उतने ही वन मोल में होने वाले हैं। यही बोल रहा है, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एंटिटीज, कितने, जिसमें 12 ग्राम में जितने होते हैं और एक मोल में भी उतने ही होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? वो कह रहा है 12 ग्राम में जितने आपके एटम्स, मॉलिक्यूलर पार्टिकल होंगे, उतने ही एक मोल में भी होंगे। अब ये मैम ये कैसे पता चला, ये तुम्हारे भैया, तुम्हें इसके लिए मास्टर्स करनी पड़ेगी, वहां पे थोड़ा सा और अच्छे से बताया जाता है, क्योंकि वहां पे एपरेटर्स होते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर करके होती है एक स्पेक्ट्रोमीटर, क्या बोलते हैं, एपरेटर्स होता है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से पता चला कि देयर आर 6. जिसको मैं बता रही हूँ ना भैया, एक मोल इसके बराबर होता है, तो ये वहां से पता चला कि 6.023 × 10⁻²³ एटम्स प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम ऑफ C12 एटम्स, ठीक है। और इसी को ही क्या बोला था, Na, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोला था, ठीक है। जैसे मान लो थोड़ा सा और फील दिलवाती हूँ तुम्हें, अच्छा है भाई यहाँ पे, जैसे देखो बेटा अगर तुम्हें मैं बोलूं कि तुम्हारे पास ना चार पेन है, तो बताओ कितने पेयर हुए, तो किससे डिवाइड करोगे मेरा बेटा? ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं कि बेटा तुम्हारे पास चार एप्पल हैं, तो कितने डजन होंगे, 12 से डिवाइड करोगे? हाँ यस मैम। ठीक है, अगर मैं बोलूं तुम्हें कि चार पार्टिकल हैं, कितने मोल होंगे, तो किससे डिवाइड करोगे, 6.022 × 10⁻², ठीक है। तो यानी कि अगर तुमसे मान लो मोल्स पूछते हैं, तो अगर तुम्हें मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल दिए जाते हैं, तो किससे डिवाइड कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। हालांकि मैं बाद में बताऊंगी, बस थोड़ा सा फील दिलवाने के लिए कर रही थी, ठीक है। तो मोटा मोटी बात क्या है कि एक मोल किसके बराबर है मेरा बेटा, 6.022 या 6.023 भी लिखते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन के टाइम पे कई बार तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ 6 भी लिख दिया जाता है,
तो 6.023 into 10 is to power 23 atom, ion, molecule, particle, electron, proton, neutron. ठीक है, एक मोल. ठीक है मेरा बेटा, जैसे ये देखो दो तराजू हैं, दिख रहा है सबको, दो तराजू हैं, दिख रहा है क्या? यस मैम. यस मैम. मैं रुक जाओ, तब आ रही बेटा. तो अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, दोनों में क्या है, 6.02 into 10 is to power 23 atoms है, इसमें भी है और इसमें भी है. लेकिन जब मैंने इसका मास किया तो कितना आया, 12 ग्राम आया, और जब इसका वे किया तो कितना आया, 63.5 ग्राम आया. तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, अगर आपका एटम चेंज हो रहा है तो उसमें क्या है, उसका एक मोल के लिए उसका मास भी क्या हो रहा है, अलग अलग ही आ रहा है. गेटिंग माई पॉइंट? ये ज्यादा हैवी होंगे तभी इनका मास ज्यादा आ रहा है, ये हल्के होंगे इसलिए इसका मास कम आ रहा है. क्या कहते हैं, बोलो. हाँ के ना, यानी कि अगर मैं तुम्हें बोलूं एक मोल कार्बन, तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे मैम, इसमें 6.022 into 10 is to power 23 atoms होंगे कार्बन का, बोलो. और जिनका मास कितना होगा, 12 ग्राम होगा, हाँ या ना. अगर मैं बोलूं बेटा 1 मोल कॉपर का मतलब क्या समझोगे मैम, 6.022 into 10 is to power 23 atoms होंगे किसके, कॉपर के, जिसका मास कितना होगा, 63.5 ग्राम होगा. बोलो क्या कहते हो. yes, अगर मैं तुम्हें बोलूं एक मोल ऑक्सीजन, तो आप क्या बोलोगे, 6.022 into 10 is to power 23 atoms of oxygen, जिनका मास कितना होगा, 16 ग्राम होगा. अगर मैं बोल रही हूँ तुम्हें एक मोल वॉटर, तो उसका मतलब क्या होगा, 6.022 into 10 is to power 23 molecules of water, जिसका मास कितना होगा, वॉटर का 18 ग्राम होगा. आ रही है चीजें समझ में, बोलो. yes, ma'am. तो यस. हाँ, कोई मेरे से कुछ पूछ रहा था, हैंड रेज की करा था किसी ने. ये तुम्हारा गलती से हैंड रेज होता है क्या? यस मैम. यहाँ तक समझ में आ गया, मेरी क्लास में हो रहा है, बाकी टीचर की क्लास में भी करा है तुमने? मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत होना. ठीक है, हो जाएगा इतना. यस मैम. यस मैम. एक तुम्हें एक खासियत बताऊं, आना इधर आओ. अब इस पे आते हैं, ये ग्राम एटॉमिक मास हेडिंग मत डालना, नेचर का मैजिक देखना. नेचर का मैजिक ध्यान से सुनना. हीलियम का मास सबको पता है 4 होता है ना. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 4 mm. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 4 ग्राम. आर दे सेम, इनका मतलब सेम होगा. रेज योर हैंड. शाबाश, रेज योर हैंड. क्या इन दोनों का मतलब सेम होगा, 4 AMU और 4 ग्राम? फिर मैं तुम्हें एक प्यारा सा एग्जांपल दूंगी, हंसना मत. ठीक है, ओके. मीनाक्षी बताएगी मेरे को. मैम, 4 AMU एटम्स का मास है और 4 ग्राम मोल का मास है. ओके, 4 AMU किसका मास है, एटम का, कितने एटम का? मैम, 1 एटम. इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ये एक हीलियम के एटम का मास है, हाँ या ना? Yes, ma'am. जैसे ही मैं AMU को भैया ग्राम में चेंज कर दूंगी, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, एक मोल हीलियम एटम का मास है. बोलो क्या कहते हो, या तुम बोलो 6.022 into 10 is to power 23 atoms of helium का मास है. बोलो हाँ या ना, फील आया? यस मैम. सेम, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, O2 की बात कर लेती हूँ, मेरे पास 16 AMU है और मेरे पास 16 ग्राम है. 16 AMU का मतलब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल का मास, और ये
6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल एटम्स। अब एक बार बताओ, एक के पास है एक रुपया, एक के पास है एक मोल रुपया, क्या होगा? अमीर कौन? मैम एक मोल रुपया अमीर है। वो कहेगा एक रुपया भाई तेरी क्या उभा गया से? ठीक है, तो बेसिकली ये ठीक है, तो मैं एक बार इसको इरेज कर दूं क्या? ये तो समझ में आ गया होगा। यस मैम। मैम एक बार दोबारा बता दीजिए। यस मैम। हाय राम, कहाँ गायब हो जाते हो तुम लोग? दक्ष मैं बता दे रही हूँ कहाँ गायब हो जा रहा है तू क्लास के बीच में आज। कोई नहीं, दोबारा भी आएगी चीज बता दूंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, कई कई पे ना जब तुम न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पे लिखा होगा ग्राम एटॉमिक मास, है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है लिखो, ग्राम एटॉमिक मास अगर कहीं पे लिखा मिल जाए उसका मतलब क्या होता है? मास ऑफ वन मोल एटम, एक मोल एटम का मास, या यू कैन से एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मास। गेटिंग माय पॉइंट? यस। मान लो एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो सलोनी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। बेटा प्लीज हैंड रेज तब करो जब कोई डाउट है, मेरे को मेरा फ्लो ब्रेक हो जाता है। सलोनी गलती से हो रहा है गैस। देखो अगर मान लो मेरे को बताना हो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का, ध्यान से देखना मेरा बेटा, अब मैं बिल्कुल दोबारा से जा रही हूँ जहां से मैंने शुरू किया था। एक बार बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास कितना था मेरा बेटा ऑक्सीजन का? 16 AMU। बहुत बढ़िया, 16 AMU था। अगर मैं तुम्हें बोलूं मुझे एटॉमिक मास बता दो ऑक्सीजन का तो क्या बोलोगे? 16 × 1 AMU में कितना था? 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। बोलो क्या कहते हो? अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ मेरे को ग्राम एटॉमिक मास बता दो, क्या करूंगी? 16 ग्राम। 16 × 1.66 × 10⁻²⁴ × Avogadro number। वेरी गुड, क्योंकि मेरा बेटा एक एटम का मास मेरे पास कितना था? इतना था। ठीक है, तो एक मोल का कितना हो जाएगा? किससे मल्टीप्लाई करूंगी? एवोगैड्रो नंबर से। या ऐसे बोलो एक एटम का मास इतना था, 6.022 × 10⁻²³ एटम्स का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दूंगी। बोलो क्या कहते हो? और ये कितना आता है अप्रोक्सीमेटली, कभी किसी ने कैलकुलेट किया हो तो? 1 आता है, 1 आता है, Na × 1 AMU 1 के आसपास आता है, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास कितना आ गया ऑक्सीजन का? 16 ग्राम। यही बता रही थी मैं अभी इससे पहले कि एक तुम 16 AMU ले रहे हो, 16 ग्राम दोनों सेम नहीं है। 16 AMU का मतलब एक एटम का मास, 16 ग्राम का मतलब एक मोल एटम का मास। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन करवाऊं फिर ये तुम कर लेना दोनों, ठीक है? चलो आओ, देखो क्वेश्चन को रीड करिए सबसे पहले। इफ मास ऑफ, ध्यान से सुनना, इफ मास ऑफ टू एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इतना, मतलब दो एटम जो है उसका मास इतना दिया हुआ है, एटॉमिक मास क्या होगा एलिमेंट का? और आपको गिवन क्या था? एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू गिवन थी मैम, ये तो हमें पता ही है। देखो उन्होंने क्या बोला है, दो एटम का मास कितना है मेरा बेटा? बोलो 6.023 × 10⁻²³ एटम्स का कितना होगा, निकल जाएगा? यस मैम। यस मैम। क्या कहते हो? बढ़िया। यस मैम। यस मैम। हो जाएगा। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नीट में नहीं आया हुआ है पहले, ये सिर्फ वो बेसिक वाला क्वेश्चन है ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेक हो कि मैंने क्या पढ़ा है। मैं फिर बोल रही हूँ, आपको दो एटम का मास दिया हुआ है, आपको एलिमेंट का बताना है, ठीक है? हमें पता है 6.2 एटम का इतना है, तो 6.023 × 10⁻²³ एटम्स का कितना होगा? फर्क है ना इसको?
यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, मैथ्स में किया होगा ये तुम लोगों ने टेंथ तक किया है ना यूनिटरी मेथड। चलो छोड़ो, नहीं किया तो अब कर लो, ठीक है। चलो ओके, ये क्वेश्चन तुम करोगे, करोगे क्या? अरे हाँ ना, मैं जवाब नहीं देते तुम तो। यस मैम करो। यस मैम करो मेरा बेटा करो। बस ज्यादा नहीं करवाऊंगी, इतना ही करवाऊंगी, मोल कैलकुलेशन ना फिर नेक्स्ट क्लास से करेंगे, है ना, मोल के फॉर्मूलाज और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, नेक्स्ट क्लास से करेंगे फिर। जो आप सिग्नेचर करते हो ना पेंसिल से बोल रहे हैं वो, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे और जिसका उन्होंने वे करके बता रखे 1.2 × 10⁻³ ग्राम में। आलिया कैसे करोगी? हर्षित मैम 1.2 × 10⁻³ ग्राम को 6.023 × 10⁰³ से डिवाइड करेंगे। नहीं डिवाइड तो नहीं करेंगे मेरा बेटा, पूर्वा का हो गया, और बताओ। मैम अपना जो गिवन मास है उसको हम कार्बन के मास से डिवाइड कर देंगे, फिर जो भी हमारा मोल्स निकल के आएंगे, मोल्स निकल के आएंगे, फिर हमें पता ही है एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, फिर उसको उन पार्ट 6.022 × 10⁰³ को मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा मोल्स निकल के आया है, उससे हमें मिल जाएगा कार्बन एटम कितने हैं। शाबाश, सही बोल रही आलिया। देखो मेरा बेटा इधर आओ, एक चीज तो तुम्हें पता चल गई ना, मैंने तुम्हें अभी समझाई थोड़ी देर पहले, एक मिनट को, कि अगर मैं एक मोल कार्बन की बात कर रही हूँ तो उसका मतलब क्या है, 6.023 × 10⁰³ एटम्स है कार्बन के, जिसका मास कितना है 12 ग्राम है, ये सबको मालूम पड़ गया ना ये वाली चीज तो, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ क्या 12 ग्राम कार्बन जो है, ठीक है, उसमें कितने एटम्स है, 6.023 × 10⁰³ एटम्स है, हाँ या ना? आपसे कितने में पूछा है, आपसे कितने में पूछा है, 1.2 × 10⁻³ ग्राम में, तो 6.023 × 10⁻²³ by 12 × 1.2 × 10⁻³ - 3, ठीक है, तो 12 से 12 कट गया और आपका फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो, क्या कहते हो, आ जाएगा कि नहीं आएगा? यस मैम आ गया मैम, सो मच आ गया। अरे क्या बात है, आजकल बहुत है ना वैसे इतना, या एक काम करो, ये क्वेश्चन घर के लिए ले लो फिर, है ना। मास ऑफ नाइट्रोजन बताना था तुम्हें 3 ग्राम यूरिया में, तो दिस इज योर होमवर्क, आज के लिए इतना करते हैं। अब जब तुम मुझे मिलोगे तो मैं मोल कैलकुलेशन कराऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी क्लास में, एक पूरा लेक्चर जाएगा प्रैक्टिस में, और बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए भी दूंगी, लेकिन आज के लिए होमवर्क थोड़ा सा कम है मेरा बेटा। आपको कितने क्वेश्चन करने, 2, 4, 6, 7 और एक अभी जो मैंने वो यूरिया वाला दिया, 8, तो टोटल 8 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, ठीक है जी, हो जाएगा। फटाफट से रिवाइज कर ले आज क्या किया, आ जाओ। सबसे पहले हमने क्या किया, सिंपल हमने स्टार्ट किया था मैटर से, जो आप 9th में पढ़ के आए थे, फिर उससे हम आगे बढ़े डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में, जिसमें आपने मुझे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि मैम ये लिमिटेशन होते हैं, एंड वहां पे फिर दक्ष ने पूछा कि मैम प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स को डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो मैंने बोला कि नहीं कर सकते हैं। बाकी ये आप लोगों के लिए एक टॉपिक भी रहेगा, आप रिसर्च करके आना कि
और कौन से छोटे मतलब प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन से भी क्या छोटे पार्टिकल्स हैं, ये आपका काम रहेगा रिसर्च करना थोड़ा सा, ठीक है। हालांकि फिजिक्स वाले टॉपिक की तरफ चला जाता है थोड़ा सा, बट यस ये करके आना है, मेरे को क्लास में बताना है कि मैम हाँ ये भी होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने ये सिंपल किया था फिजिकल बिहेवियर और केमिकल बिहेवियर के बेसिस पे, देन अपन एक क्वेश्चन लगाए थे रिलेटिव एटॉमिक मास हमने किया था, कि मैंने कहा था रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट द, जल्दी बोलो, सम ऑफ बोलो प्रोटॉन्स प्लस मास के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, मैंने कहा था 1/12 हिस्सा कार्बन 12 का वो क्या होता है वन एटॉमिक मास यूनिट होता है, वेरी गुड मेरा बेटा। फिर हमने देखा था एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU होता है। फिर हमने एक बेसिक क्वेश्चन किया था, फिर हमने एक एटोमिसिटी पढ़ी थी कि एटोमिसिटी तुम लोगों ने मुझे बताया नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, जैसे एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है वैसे मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है, गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. फिर हम मोल पे आए थे कि हमने कहा कि भैया केमिस्ट्री में हम छोटी छोटी चीजों से डील करने वाले हैं तो उसके लिए हमें नंबर चाहिए, तो हमने नंबर किया था 1 मोल, जिसका वो किसके बराबर होता है 6.023 × 10^23 एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटोन हो सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। रुक जाओ बेटा आ रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हर एटम का अगर आप ले रहे हो एक मोल ले रहे हो तो उसका मास क्या आएगा अलग आएगा, जैसे अगर मैं 1 मोल कार्बन की बात करूं तो उसके 6.022 × 10^23 एटम का मास कितना आएगा 12 ग्राम आएगा, तो यानी कि 1 मोल के लिए किसी भी एटम का 1 मोल ले रहे हो तो उसका मास क्या है फिक्स है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं मोलर मास भी बोलते हैं क्योंकि वो 1 मोल का मास है 12 ग्राम, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो अब फिर क्या किया था हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, एंड अपन ने क्वेश्चन किया, फिर एक मैंने यहाँ पे आपको घर के ले दिया और आगे मैं मोल करवाऊंगी आपको ये क्वेश्चन करने, मैं स्लाइड्स जो है आपके उसमें शेयर कर दूंगी, ठीक है मेरा बेटा, और नेक्स्ट क्लास में हम मोल कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप जितना मैंने आज समझाया आप लोगों को समझ में आया हो, फिर भी यू हैव डाउट तो यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। तो अभी आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, धीरे धीरे आप मुझे जानोगे मैं